गाइस आपको समीर एंड शाविज व्लॉग्स में वेलकम करता हूं। तो गाइस जैसा कि आप सब जानते हैं कि इलेक्शन में सिर्फ दो दिन बाकी हैं, तो इसी सिलसिले में आज गंज मंडी में पीर फारूक बाउल अक्षा और चौधरी नजीम अफजल चंद का तारीखी जलसा है। तो चले आपको उस जलसे की तैयारियाँ दिखाते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। ये देखिए गाइस तैयारियाँ स्टार्ट हो चुकी है, गंज मंडी में चेयर्स लगाई जा रही हैं। देखे गाइस पूरी गंज मंडी में चेयर्स लग चुकी हैं। गाइस तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है कि जिसने
हमारे मुकद्दर में आप जैसे लोगों की मोहब्बत खत्म है। मैं आपकी इस मोहब्बत, आपके इस जज्बे को, आपके इस बंदरे को सलाम पेश करता हूं। इंशाअल्लाह 8 फरवरी को सदा का दिन होगा और 9 का सूरज अपने दामन में खुशियों को लपेट कर हमारे घरों को मुसर्रत से चमका देगा। आज मैं आपसे बात करना इसलिए जरूरी समझता हूं कि सबसे पहले मैं इस इत्तेहाद जिसकी क्यादत फर्क अदनान हयात रूम साहब कर रहे हैं और जिसमें मैं और नदीम अफजल चंद साहब शामिल हैं, इस इत्तेहाद का एक ही मकसद है कि आवाम की बेहतरीन से बेहतरीन खिदमत को यकीनी बनाया जाए और शराफत के लिबादे में छुपकर ये इत्तेहाद मजलूम की आवाज है, ये इत्तेहाद मिटपटा में रहने वाले गरीब की आवाज है, ये इत्तेहाद लाखों लोगों की दिलों की तमन्ना है, ये इत्तेहाद उसकी के लिए नहीं बल्कि आपकी हिफाजत के लिए है। अल्लाह इस मुल्क को हंसता फंसता रखे और घेरा भी धरती हमेशा गरीबों मसीहों का सहारा बनती रहे। पाकिस्तान नारे तकबीर, नारे फालन, नारे हैदरी, ताज नारे खंडेलों पर। दोस्तों, मैं आपका बड़ा मंजूर हूं कि आप जितने पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया और तीन मारूफ भाव राक्षा साहब और बलक सहमूर यादव साहब का भी। बलक साहब कैसे के ज्यादा उन्होंने स्पेशल टाइम निकाला और हमारे हल्के में आए, ये उनके लिए बड़ा मुश्किल फैसला था कि आप लोगों की उम्रों के मुताबिक। मैं समझता हूं कि नूर खानदान जो असल में इस हल्के का जिस जो एमएलए की सीट थी वो नूर खानदान की थी और उन्होंने इलेक्शन ना लड़के फिर लोगों को दी, लेकिन आज बड़े बड़े लोगों को उन्होंने नवाजा भी दिलवाया भी। आज मैं हैरान हूं वो लोग क्या बातें करते हैं उस खानदान के बारे में। मेरी ही 3-4 लेक्चरों में उन्होंने मुखातब की, मैंने तो कभी ये नहीं कहा एक लफ्ज भी खानदान के बारे में नहीं कहा। जरा सबर तो करें, जरा सबर तो करें, इतने जल्दी फटकाते क्यों हैं, इतने जल्दी फटते क्यों हैं, थोड़ा सबर तो करें, अभी मंजर दूर है। मेरा मालूम इलाके वालों, आपने बहुत अच्छी कंप्लेन चलाई, पुरजोश तरीके से वोट मांगे, बड़ा मुश्किल फैसला था जब एक तरफ पटवारी से लेकर चीफ सेक्रेटरी का कलाम बैठी हो और दूसरी तरफ सिर्फ सादा लोग, आम आदमी, मजदूर, किसान, शरीफ आदमी, गैर काश्तकार तबके के लोग, जिम्मेदार ये कंप्लेन कर रहे हो और एक तरफ पूरी सरकार बनी हो और सरकार के मुकाबले में इलेक्शन लड़ना ये कोई इतना आसान काम नहीं होता। बातें करना बड़ी आसान होती है, लोगों के सरकारी मुलाजम हैं उनको चीफ सेक्रेटरी साहब डायरेक्ट फोन करते हैं, जाहिर जमान गुजर साहब डायरेक्ट फोन करते हैं और वोट मांगते हैं, फिर तमामों की धमकियां भी देते हैं। मैं सलाम पेश करता हूं आप लोग भाइयों को जिनके सरकारी मुलाजम नहीं है और वोट हमें दे रहे हैं, मेरा सलाम है।